क्वेश्चन नंबर टू में हमसे कहा गया है एक्सप्रेस ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए, मीन्स हमें सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को, जो छः हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है साइन कॉस टैन कॉस एक्स सेक कॉट, उन्हें सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करना है। मीन्स हमारा लेफ्ट में तो साइन ए रहे तो राइट में सेक के टर्म में आना चाहिए, लेफ्ट में कॉस रहे तो राइट में हमारा सेक के टर्म में आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम कॉस को बदल रहे हैं क्योंकि कॉस हमारा जो होता है वो सेक का अपोजिट होता है। तो कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट वन अपॉन सेक ए लिख सकते हैं क्योंकि कॉस सेक का अपोजिट होता है, तो कॉस को हम वन अपॉन सेक ए लिख सकते हैं। तो देखिए लेफ्ट में हमारा क्या आ गया, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज कॉस ए आ गया, और राइट में हमारा क्या आ गया, सेक ए आ गया। हमें हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को सेक ए के टर्म में बदलना है। अब देखिए ये तो हमारा कॉस ए हो गया, अब हम साइन को बदल रहे हैं। देखिए साइन हमारा लेफ्ट में नहीं रहना चाहिए और राइट में हमारा क्या आ जाना चाहिए, सेक आना चाहिए आ जाना चाहिए। तो देखिए हमारी एक आइडेंटिटी है ये साइन ए, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर है क्योंकि कॉस किसका उल्टा होता, सेक का उल्टा होता। तो इस वाले आइडेंटिटी से हम साइन ए को सेक ए के टर्म में बदल सकते हैं। तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। नाउ देखिए साइन तो हमारा लेफ्ट में रहना ही चाहिए, इस वाले कॉस को हम किस में बदल रहे हैं, सेक में बदल रहे हैं। तो देखिए इसे हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए इक्वल टू वन हमारा ऐसे रहा, वन अपॉन कॉस को क्या लिख सकते हैं हम, सेक स्क्वायर ए। तो देखिए लेफ्ट में तो हमारा साइन बन गया, राइट में हमारा सेक बन गया। अब देखिए इसे सॉल्व कर लेते हैं, सेक स्क्वायर ए हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस वन, लेफ्ट में हमारा साइन स्क्वायर ए ऐसी था। देखिए ये जो स्क्वायर था राइट साइड में जाके किस में बदल जाएगा, हमारा अंडर रूट में बदल जाएगा। तो साइन ए इक्वल टू अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा हमारा, सेक स्क्वायर ए आ जाएगा। देखिए ये सेक स्क्वायर ए माइनस वन तो हमारा अंडर रूट में ऐसी रहा, नीचे स्क्वायर भी था और अंडर रूट भी था, स्क्वायर ये रहा अंडर रूट ये रहा, स्क्वायर से अंडर रूट हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बचेगा सिर्फ सेक स्क्वायर ए एंड माइनस वन अंडर रूट में और अपॉन में सेक ए। अब आप देखिए साइन ए तो हमारा लेफ्ट में रहा, राइट में हमारा किसके टर्म में चेंज हो गया, साइन है सेक के टर्म में चेंज हो गया। अब इसी तरह से हमें टेन को भी सेक के टर्म में चेंज करना, तो टेन और सेक में तो हमारा एक रिलेशन होता है। देखिए टेन में लेफ्ट में रखना है एक तरफ रखना है और सेक को हमें दूसरी तरफ रखना है। तो ये आइडेंटिटी हमारी जो है, देखिए टेन स्क्वायर ए जो होता है हमारा वो सेक स्क्वायर ए माइनस वन के इक्वल होता है, ये रही आइडेंटिटी हमारी। ये जो स्क्वायर है हमारा दूसरी तरफ जाके किस में बदल जाएगा, अंडर रूट में बदल जाएगा। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं माइनस वन। तो देखिए लेफ्ट में हमारा क्या रहा, टेन रहा और राइट में हमारा क्या बन गया, सेक के टर्म में। तो तीन हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, देखिए कॉस सेक के टर्म में बदल गया, साइन भी हमारा सेक के टर्म में बदल गया, टेन भी हमारा सेक के टर्म में बदल गया। अब हमें किसे बदलना है, कॉसेक को। तो कॉसेक जो होता है वो साइन का अपोजिट होता है, मीन्स कॉसेक इक्वल टू वन अपॉन साइन ए होता है। तो देखिए हमें सेक के टर्म में बदलना, तो मैं ये वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहा हूँ, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं वन अपॉन अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन और अपॉन में क्या आ जाएगा, सेक ए। ये जो सेक ए वाला टर्म है सबसे ऊपर चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये सेक ए अपॉन में अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस वन हो जाएगा। तो देखिए हमारे लेफ्ट में क्या रहा, कॉसेक रहा और राइट में किस में बदल गया, ये सेक में बदल गया। अब लास्ट हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या हो जाएगा, कॉट। कॉट किसका अपोजिट होता है, कॉट होता है टेन का अपोजिट, तो हम इसे कॉट को लिख सकते हैं वन अपॉन टेन ए। अब देखिए टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड करती है सेक के टर्म में, वो ये थी, तो हम क्या लिख सकते हैं वन अपॉन टेन को हमने लिख दिया यहाँ पर सेक स्क्वायर ए माइनस का वन। देखिए हमारा जो लेफ्ट में क्या रहा, कॉट रहा और राइट में हमारा जो ना किसके टर्म में चेंज हो गया, सेक स्क्वायर ए के टर्म में ये हमारी वैल्यू चेंज हो गई, यही हमारा आंसर हो जाए।